गाइस पिछले वीडियो में हमने देखा था कि चॉप सोना खा लेता है ये सोच के कि उसके पीछे से सोना निकलेगा, लेकिन काफी समय तक वो सोना नहीं निकलता है और घर की ईएमआई मांगने वाले बंदे पहुंच जाते हैं। और फिर क्या, वो सोना ईएमआई देने के लिए ही रखा था, बट गेस व्हाट, वहां पे वो सोना नहीं रहता है। तो फिर अपन सोचते हैं चलो कार बेच के ईएमआई भर देंगे और फिर अपन निकलते हैं कार बेचने के लिए। और अब भागे, चाहे कुछ भी हो जाए मास्टर को मैं गाड़ी बेचना नहीं दूंगा, मास्टर आपका प्यारा डॉगी आ रहा है भाई। अरे नहीं यार भैया, काफी कम लगा रहे हो इस कार का यार, काफी नई कार है। हाँ मैंने सेकेंड हैंड उठाई थी, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप इतना कम लगाओगे, एटलीस्ट थोड़ा तो और बढ़ा दो भाई, कम से कम मेरे घर की ईएमआई चुक जाए, इतना तो बढ़ा दो एटलीस्ट। मास्टर आपका प्यारा डॉगी, प्यारा डॉगी निपट रहा है। चलो ठीक है यार भैया, आप भी अच्छे हो, कम से कम इतना तो दिया कि अपनी ईएमआई निकल जाए। वेल मैं यहाँ तक आ तो गया, लेकिन अब घर कैसे जाऊंगा। चलो टैक्सी वैक्सी देखते है, कोई तो टैक्सी मिलेगी। वो रहे मास्टर, मास्टर मास्टर, एक मिनट रे, मास्टर के हाथ में तो एक बैग है। गाइस कहीं वो कार बेच तो नहीं दिए ना, ये तो मुझ पे बहुत बड़े शर्म की बात होगी भाई, उनके पेट के रहते हुए उन्हें गाड़ी बेचना पड़ा, वो भी सिर्फ मेरे कारण। बिल्कुल 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 धिक्कार की बात है, लेकिन फिर भी अब मैं मास्टर को, अरे मास्टर गायब हो गए। गाइस ये क्या बात है, मास्टर तो गायब हो गए। पहले मुझे देखने तो वो सच में गाड़ी बेच तो नहीं दिए है। अरे बाप रे बाप, उन्होंने अपनी गाड़ी बेच दी। गाइस ये सुन के मुझे बहुत दुख हो रहा है, मेरे नन्हे पाँव थोड़े तेज चलते तो मास्टर की गाड़ी नहीं बिकती। लेकिन मेरे पास एक प्यारा सा आइडिया है। अरे भाई हमारे पास भी सोना है, अब हम सोना खा के सोना निकालते हैं। ओ भाई ये लोग अभी भी वेट कर रहे होंगे, फटाक से जाके इन्हें देता हूँ मैं। ओके ये रहे, हाँ हाँ आपके पैसे लेके आ गया हूँ मैं, वो भी प्रॉपर ऑन टाइम, समझ रहे हो ना। और हाँ ये थोड़ा पैसे का इशू हो गया था, ये किसी को बताइएगा मत, वरना थोड़ी इमेज खराब हो सकती है हमारी। चलो ठीक है मैं अगले महीने फिर आऊंगा। ओ भाई गाइस एटलीस्ट हमने ईएमआई का पैसा दे दिया है, और इस चॉप के बच्चे को तो घर आन दो, इसके कारण इतनी प्रॉब्लम हुई, गाड़ी बिक गई मेरी, इस बार इसको आन दो, इतना गुस्सा हूं ना मैं इससे, बताता हूं इसको। और आज मैं इसका डॉग हाउस वापस लाने जाने वाला था, लेकिन अब मैं इसका कोई डॉग हाउस नहीं ला रहा हूं। इनफैक्ट मैं तो सोच रहा हूं इसे घर से निकाल देना चाहिए, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम करता है ना, इसी का वेट कर रहा हूं मैं, कहां है ये। और आजकल पता नहीं कहीं भी घूमने निकल जाता है, बिल्कुल आवारा डॉगियों जैसे करता है ये, बट ठीक है इसका वेट करते हैं यहाँ पे अपन। अरे नहीं नहीं निर्मा, मैं तो सिर्फ तुम्हें थैंक यू बोलने आया हूँ भाई, इसीलिए तो मैंने तुम्हारे लिए फ्लावर्स और खाने पीने का सामान ये सब लाया है, अगर तुम नहीं होती तो मैं कुछ नहीं कर पाता निर्मा, उसके लिए थैंक यू। और उधर तो देखो मैंने मास्टर के लिए एक कार भी ले ली है उनकी। पर यहाँ तक तो वो शोरूम वाला छोड़ के गया है, यहाँ से मैं मास्टर को बुला के सरप्राइज करूंगा। और निर्मा तुम्हें एक आध मैजिक देखना है। अरे नहीं नहीं अभी पार्टी करके मैजिक नहीं करूंगा, लेकिन गाइस मैजिक ये है कि अब मैं जब भी पार्टी करता हूँ सोना निकलता है। कहाँ रह गया ये, कब से इसका वेट कर रहा हूँ, अब तो बहुत देर हो गई है। चॉप के बच्चे किधर है, एक मिनट वो चॉप है। ओके वेट वेट वेट, मैं इधर सुबह से इतना टेंशन में हूँ, इसके पीछे इधर से उधर फिर रहा हूँ, और ये यहाँ बढ़िया निर्मा के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है, मजे कर रहा है यहाँ पे, और उसे कुछ कुछ तो खरीद के दिया है। ओके फ्लावर्स, ओ भाई फ्लावर्स के बाद वहाँ पे खाने पीने की चीज है, और रे रुक जाओ। ओ बेटा चॉप सुन मेरी बात। हाय मास्टर, आपको पता भी है मैंने क्या किया है। तूने क्या किया है, तूने क्या नहीं किया है भाई, हर वो बेकार चीज कर दी तूने जो तुमको नहीं करनी थी, मतलब तुझ पे धिक्कार है भाई पेट के नाम पे, भाई देर से ऐसी उम्मीद नहीं थी चॉप। और एक बात बता, इतनी प्रॉब्लम्स होने के बाद तू यहाँ पे बढ़िया बर्गर वर्गर खा रहा है बैठ के, वो भी फ्लावर्स के साथ, मतलब निर्मा को देने के लिए बस फ्लावर्स वावर्स कहाँ से आ गए। मास्टर उसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन मेरी बात तो सुन लो प्लीज। चल ठीक है मैं सुन लूंगा, मेरा गुस्सा थोड़ा सा शांत हो रहा है, लेकिन उससे पहले तू मेरी एक बात सुन। देख मैंने कार बेच दिए, तेरे को पता चला कि नहीं। मुझे पता चला है, उसी के बारे में तो कुछ बताना है। अरे सुन ले मेरी बात अच्छे से, देख ऐसा है कि अगर वो कार नहीं बिकती है लंबे समय तक, ठीक है, तो हमें वो एक ब्रांड न्यू कार देगा, बस थोड़े पैसे और मिलाने के बाद। आई होप कि बस वो कार ना बिके चौक, तू समझ रहा है ना, फिर हमें एक ब्रांड न्यू कार मिलेगी भाई, मतलब आज तक अपन ने ब्रांड न्यू कार नहीं लिया, सेकंड हैंड ही चलाए हैं। ऐसा है क्या मास्टर, अच्छा फिर तो ठीक है, अच्छी बात है भाई, अब मुझे भी यही लगता है कि बस वो कार नहीं बिकनी चाहिए। चलो मास्टर हम घर चलते हैं, ठीक है। हाँ चल ठीक है, लेकिन अभी भी मेरा गुस्सा तेरे पे पूरे तरीके से शांत नहीं हुआ, ठीक है ना, थोड़ा गुस्सा अभी भी है। अच्छा
मास्टर ठीक है, मास्टर ठीक है, आप घर जाओ, मैं आता हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है, मैं घर चलता हूँ। वेल, ये चॉप बड़ा विचित्र सा एक्ट क्यों कर रहा था गाइस, छोड़ो मुझे क्या, मैं अभी फिलहाल घर चलता हूँ। अरे गाइस, मैंने वैसे भी कुकर में कुछ तो चढ़ाया था, वो जल ना गया। अरे एक मिनट, अरे कैसे हो? हाँ बढ़िया हूँ, और आप बताओ कैसे हो, और पॉम पॉम तू कैसा है? चलो मैं चलता हूँ, ठीक है। अरे हमारी नई कार तो देख के जाओ, ब्रांड न्यू है, अभी अभी आई है। अच्छा, अरे वाह, ये तो कोई सुपर कार लग रही है। हाँ हाँ, दूर से ही देखो, इसमें अपने हाथ मत लगा देना, गंदी हो जाएगी। अरे भाई मैं वैसे भी चलो कॉन्ग्रेट्स, ठीक है कॉन्ग्रेट्स, चलता हूँ मैं। भाई क्या बंदे का, इसी लोग काफी बेकार लोग है। एक तो इनका डॉगी भी उतना ही बेकार है जितना इनका मालिक बेकार है। वैसे छोड़ो, अभी मैं फटाक से जाके कुकर पे जो चढ़ाया ना उसे बंद करता हूँ, वरना वो जल जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। बाप रे गाइस, इतना बैड लक किसका हो सकता है भाई। मैंने मास्टर को खुश करने के लिए ये कार इतने मुश्किल से खरीदी और खरीदवा के उस शोरूम वाले से यहाँ तक लाई, जबकि मुझे चलाना भी नहीं आता है। और फिर पता चलता है कि मास्टर चाहते थे कि ये कार कोई खरीदे ही ना। बाप रे बाप, इतना दुख मैं अकेले कैसे सहूं भाई। अरे क्या कहा निर्मा, अच्छा अच्छा थैंक यू। गाइस निर्मा कह रही है कि तुम अकेले नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। पर बेचारी भोली भाली निर्मा आखिर कर क्या पाएगी, ढंग से बोल भी तो नहीं पाती है ज्यादा। और गाइस एक बात का डर है, अगर मास्टर को पता चला कि मैंने ये गाड़ी खरीद ली थी तब तो दिक्कत हो जाएगी भाई। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है, लगता है मेरा छोटा सा दिमाग अब जवाब दे दिया है। अरे हाँ, पम पम के पास चलता हूँ। अरे भाई पम पम मेरा दोस्त है, कभी तो काम आए, हमेशा धोखा दे। हाय पम पम, कैसे हो? अरे चौप, हमने एक नई गाड़ी ली है, ये देख आगे देख। अरे वाह, न्यू कार, ये तो बहुत बढ़िया है। ओए डॉगी, चल दूर से देख। अरे दूर से ही तो देखा है मैंने भैया। ओए तुझसे बहुत बास आती है, चल दूर भाग इधर से। अरे मैं तो पम पम से कुछ मांगने ही आया होगा, है ना, मांगते तो रहते हो तुम लोग। अरे मांगने नहीं आया था, जा रहा हूँ मैं, नहीं आऊंगा आपसे। बाप रे, भिलाई का तो भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा भाई। चलो कोई नहीं, एक काम करता हूँ, मैं उस कार को वापस से बेच देता हूँ, कम से कम पैसा मिलेगा, वो मास्टर को दे दूंगा। अरे एक मिनट, अरे कार का है। अरे निर्मा, निर्मा उठो, निर्मा क्या हुआ तुम्हें? हाँ हाँ, अरे अरे क्या कह रही हो? अरे बाप रे बाप, तुम तो ठीक हो ना? गाइस निर्मा बता रही है कि वो कार किसी ने चोरी कर ली। बाप रे, इतना ज्यादा बैड लक हो रहा है, बाप रे। वो भाई शिनचान को स्कूल से लेकर आ रहा है और मैं भूल गया, बताओ जल्दी से गाड़ी। ओ शिट, गाड़ी तो है ही नहीं, अब दिक्कत होगी, क्योंकि अब शिनचान को स्कूल से तो लेना है पर पैदल जाना पड़ेगा, और उसको भी पैदल आना पड़ेगा। गाइस मैं तो चल लूंगा इतना दूर, बट मुझे नहीं लगता कि शिनचान वापस आ पाएगा, और मैं लेट भी चल रहा हूँ। चलो देखते अब क्या होता है उसके स्कूल पहुँच के। निर्मा तुम अब बिल्कुल सही बोल रही हो भाई, मुझे मास्टर को जाके बता देना चाहिए सब कुछ सच सच। आखिर मैं अपने प्यारे मास्टर से कब तक ये छुपा पाऊंगा भाई, और मैं मास्टर से ज्यादा देर चीजें नहीं छुपा पाता हूँ। मास्टर मास्टर, मुझे आपको कुछ बताना है। अरे मास्टर तो है ही नहीं, और ये दोनों कौन है भाई? लगता है मास्टर के दोस्त होंगे, लेकिन मास्टर किधर है? सो रहे हैं क्या? अरे यहाँ भी नहीं है भाई। मास्टर को मैं सच कैसे बताऊँ? मुझे कस के प्रेशर आ रहा है, बाप रे बाप, रोक नहीं पा रहा हूँ मैं। अरे वाह, अरे बाप रे, एक मिनट गाइस, क्या मैं भी वही देख रहा हूँ जो आप देख रहे हो? आप भी वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ? ये तो सिर्फ और सिर्फ कुछ और नहीं, सोना है। इसका मतलब अभी हम गरीब नहीं हुए हैं। मास्टर जल्दी से घर आओ भैया, आपका कुछ चीज इंतजार कर रही है। वही तो बात है ना, अब क्या बोलेगा यार शिनचान, चौप को भी डांट नहीं सकता, अब चौप भी अपने बुद्धि के हिसाब से करता है जो करता है। हाय मास्टर। अरे चौप कैसा है, तेरी बात चल रही थी, बता क्या सीन है? आपके लिए गिफ्ट है। अरे भाई नहीं, बस तेरे गिफ्ट खतरनाक रहते हैं। अरे आई प्रॉमिस, ये वाला खतरनाक नहीं है। अच्छा ठीक है, क्या गिफ्ट है? अंदर जाके देखो। अच्छा ठीक है, ऑल राइट। ओ व्हाट, ये क्या? ओके ओके, गोल्ड फ्लावर। गाइस ये गोल्ड फ्लावर है। एक मिनट, ये कैसे आया चौप यहाँ पे? आपको वो एड याद है जिसमें उन्होंने कहा था सोना खाओ और सोना निकालो? ओ भाई झूठ मत बोल कि तेरे पीछे से निकला, ऐसा मत बोलना। ये सच है मास्टर, अब से मैं सोना निकालता हूँ, सोना। व्हाट, ये क्या सीन है? और तेरे को उसके लिए सोना खाना भी पड़ता है क्या? मुझे सोना खाना नहीं पड़ता, लेकिन मैं निकाल सकता हूँ। व्हाट, क्या बोल रहा है चौप?
स्टॉप, देख भाई ये चार जो गोल्ड दिख रहा है भाई, ये तो मेरे को काफी भारी दिख रहा है। अगर ये इतना भारी गोल्ड अगर इसको अपन बेचेंगे ना भाई, तो वो कार क्या उसी जगह एक सुपर कार आ जाएगी चॉप। अरे वाह, तब तो मजा आएगा। वेल तो फिर क्यों ना वही करा जाए। बिल्कुल। फ्यू आवर्स लेटर, वेल ये देखो सेकेंड हैंड कार से सीधा नई सुपर कार, एंड ऑल थैंक्स गोज टू चॉप। इस खुशी के पल में तो एक सब्सक्राइब करना बनता है। गाइज अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, और हाँ गाइज अगर आपको कार पसंद आ रही तो एक लाइक करो। बाकी आ जा चॉप एक टेस्ट ड्राइव लेते हैं। शिनचान चॉप जल्दी बैठो, एक टेस्ट ड्राइव तो ले अपन। मास्टर रस्ते में मैं आपको कुछ बताना भी चाहूंगा। हाँ भाई बिल्कुल, तू नहीं बताएगा तो और कौन बताएगा, बता। असली में ना मैंने आपकी जो पुरानी कार थी ना उसे ना खरीद लिया था ताकि मैं वो आपको वापस गिफ्ट कर सकूं। क्या क्या बोल रहा है भाई, ये क्या बोल क्या रहा है? मैं सच बोल रहा हूँ मास्टर। अरे तू कहाँ है, वो कार कहाँ है? मैंने रोड के ऊपर छोड़ दी थी, ऐसी लावारिस तो किसी ने चुरा ली। अरे भाई क्या बोल रहा है, पहले बताता अपन कंप्लेन करते तो अभी तक कार मिल भी जाती। अब तो इतना लेट हो गया है, अब शायद ही मिलेगी क्योंकि लोग नंबर चेंज कर देते हैं, उसके बाद कलर चेंज कर देते हैं। बट यार चॉप तू इतना बुद्धू क्यों है? अरे मैं बुद्धू दिखता हूँ, मेरे कारण ही तो ये कार आई है भाई, मैं बुद्धू कैसे हुआ? बुद्धू तो तू है क्योंकि ये कार पहले आ सकती थी। क्या बंदा है, चलो कोई ना बैठो अभी। मास्टर अपन वापस घर पहुँचने वाले हैं, निर्मा के पास रोकना तो। अरे वो अरे पीछे छूट गई है। हेलो निर्मा, हाय। जरा ये देखो ये हमारी न्यू कार है भाई। हाँ मेरे ही कारण हमने ली है। अरे नहीं नहीं अब मास्टर हमसे गुस्सा नहीं है। अरे भाई क्या है भाई, तू और निर्मा की बात तू ही जान, बिना बोले तो सुन लेता है भाई, ठीक है। अरे भाई अब थोड़ा अलग सा रिश्ता है। और एक मिनट गाइस, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हमारे पड़ोसियों को कुछ दिखाया जाए। अरे अभी तक कोई बाहर कैसे नहीं आया, अभी आएंगे अभी आएंगे। अरे ये क्या हरकत है? अरे चौप ये कैसी कार ले ली तुमने, चोरी तो नहीं करी है? हाँ बेटा कांग्रेट्स, जगह चोरी तो नहीं करी है, ठीक है ठीक है। बस गाइस इतना ही दिखाना था मेरे को, अब अपन करेंगे इसको पार्क। और चॉप मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ पे एक गैराज भी बनवा लेंगे भाई जब मौका मिले तो। अरे भाई मौका नहीं, बस पार्टी मिले तो। अरे भाई क्या बोल रहा है। अरे सच में जैसे ही पार्टी मिलेगी हम बनवा लेंगे। अच्छा ठीक है भाई ठीक है, चल फिलहाल मैं अभी अंदर जा रहा हूँ अभी, और देखते क्या क्या करता है ये चॉप। गाइस चॉप और उसके जलवे वो ही जानता है भाई, कभी एक्चुअली में 40 करता है, कभी 40 से 16 निकालता है। अरे दोस्तों तुम लोग आगे हो गया घर पे, भाई पहले बताते मैं जल्दी आ जाता। अरे शिनचान मुझे फिर से पार्टी आ रही है, रुको रुको अभी करता हूँ। अरे वाह हो गई, एक मिनट ये तो असली की पार्टी दिख रही है, लेकिन इसमें सोना भी है। अरे चॉप मुझे तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है यार, घिन घिन सा लग रहा है। अरे भाई क्या बोल रहे हो, ये सोना है सोना। उधर देखो वही है डॉगी, उसी को मालिक ने चुराने कहा है, वो सोना हकता है सोना, मौका देखते ही उसको किडनैप कर लेंगे। चॉप अब मेरे गेम खेलने का टाइम हो गया है, मैं चलता हूँ बाय। पहले तो मैं ये सोना संभाल के रखूंगा, मास्टर का गैराज बनवाना है भाई, यहाँ पे हमारा गैराज बनेगा, इतनी बढ़िया गाड़ी है इसके लिए एक अलग सा गैराज बनता ही है। और गाइस मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं अपने लिए एक प्यारा सा सोने का डॉग हाउस यहाँ पे बनवाऊंगा, और निर्मा को भी एक सीक्रेट। हेलो हाउ मे आई हेल्प यू, कौन है आप लोग? हम लोग नहीं, तुम कौन हो? वेल तो ऐसा कुछ चल रहा है हमारे चॉप के दुनिया में। बाकी अगर आप देखना चाहते हो कि इसके आगे क्या हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करो, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।